मुस्लिम धर्मी भाइयों का पवित्र माह रमजान का आगाज हो गया है। हर वर्ष बड़ी हर्षोल्लास के साथ मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जाती थीं, लेकिन कोरोना के आते ही सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोग मस्जिदों में भीड़ न करते हुए अपने घरों से ही इबादत करने की बात इमाम द्वारा कही गई है। नंदोनंद पुलिस थाने के PI पवार, इन्होंने इस बात पर समाधान व्यक्त करते हुए मुस्लिम भाइयों को माह रमजान की ढेर सारी बधाइयां दी और सरकारी आदेश का पालन करने का अनुरोध भी किया। मुस्लिम धर्मीय भाइयों का पवित्र माह रमजान का आगाज हुआ है, ऐसे में मस्जिदों में लोग भीड़ न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात नंदनवन थाने के PI पवार इन्होंने की है। दर्शकों, इस समय में इन की टीम में हसन बाग के बड़े जामा मस्जिद के पास में, जहां पे हम आपको बता दें कि कल परसों से यहां पे माह रमजान की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सबसे पहले हम तमाम हमारे दर्शकों को इन की ओर से ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। इस समय में हमारे साथ में नंदनवन के पुलिस निरीक्षक पवार जी है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। पवार साहब, ये बताए कि आपके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पूरा परिसर आता है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ इस प्रकार के त्यौहार शुरू, क्या कहना चाहोगे आप? इस हसन बाग में जो मेरे मुस्लिम बंधव है, अभी पवित्र रमजान का त्यौहार अभी एक दो दिन में चालू होने वाला है। यहाँ के लोग का बहुत सहयोग है प्रशासन को, इससे पहले भी जो अभी त्यौहार हो गया है उसमें भी सब लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेशन दिया है। और अभी भी जब हम इन सब लोगों से बात किया है, ये मस्जिद के मौलाना साहब है, उनकी कमिटी है, यहाँ के जितने लोगों से हमने मीटिंग लेके बात किया, तो उन्होंने सबने मुझे आश्वासित किया है प्रशासन को सहयोग करेंगे और यहाँ से जो अभी जो कोरोना के ऊपर से सोशल डिस्टेंस रखेंगे, कोई भी अभी मस्जिद में नमाज के लिए जो आएगा नहीं है, वहाँ से घर में से ही नमाज ऐलान किया है नमाज करने के लिए। इफ्तार और जब रोजा के जो बाकी जो मुस्लिम बंधुओं से जो भी है, वो सब अभी घर में करने के उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। लोगों का बहुत अच्छे से कोऑपरेशन है, अभी उनके कोऑपरेशन से यहाँ से बहुत अच्छा तरीके से माहौल है। तो आप थे पुलिस निरीक्षक पवार, जिन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ बात करते हुए इस बारे में पूरी जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि इस समय में हसन बाग के जो इमाम साहब जो है मोहम्मद रमजान जी, इन्होंने भी सभी लोगों को एक बात कही है कि वे आप अपने घरों में रह के ही इबादत करें और जो अदायगी कर रहे हैं वो भी करें नमाज के लिए, लेकिन कोई भी वहाँ भीड़ भाड़ न हो, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन ये पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है, शहरों में है और ख़ासतौर पर नागपुर में भी है। ऐसे समय में लॉकडाउन का पालन करना ये सभी भारतीयों का काम है और बखूबी के साथ सभी जाति धर्म पंथ के लोग ये कामकाज कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है, अब इसके ऊपर में अमल भी 100% होना ये भी ज़रूरी है। नागपुर के हसन बाग से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, NBC News नागपुर।